गद्दी के चक्कर में गांधी परिवार ने अपने दो दो प्रधानमंत्री मारे। कांग्रेस तो शुरू से ही झूठ रही है, हिंदुओं की आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। जब जब हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है इन्होंने उसका समर्थन किया है। देश में बदलाव हुआ है और बदलाव का कारण है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रिया कुमारी है ना, सबसे बेस्ट सीएम का फेस है। मोदी तेरी चल गई आंधी, उड़ गए चमचे और राहुल गांधी। गणेश चौक का काम करिया पर मिनको न पसंद को नहीं आई। नमस्कार दर्शकों, तो आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान सभी जगह के नतीजे आ गए हैं। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत हुई, वहीं कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। आइए हम लोगों से इसी बात पर चर्चा करते हैं। अच्छा सर, जहां कल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, वहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी, तो कांग्रेस की हार का मुख्य कारण क्या है? कांग्रेस तो शुरू से ही झूठ रही है, हिंदुओं की आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। जब जब हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है इन्होंने उसका समर्थन किया है। आज जो सरकार बनी है राजस्थान में, तो उसके मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि जो अशोक गहलोत ने एक बार पूर्व कन्हैया कुमार जैसे लोगों की निर्मम हत्या कराई थी और वहाँ के ब्रांड प्रचारक योगी आदित्यनाथ जी ने प्रचार करा कि अगर राजस्थान में फिर से अगर कांग्रेस सरकार बनी तो पहले एक वर्ष पहले जो जिस तरीके कन्हैया कुमार की निर्मम हत्या हुई थी, ऐसे इस बार सैकड़ों हिंदुओं की निर्मम हत्या होगी। आज उसका परिणाम है कि सभी सनातियों ने ये चीज़ों को गौर फरमाया और हम लोगों ने जिम्मेदारी के साथ सरकार बनाई है और मुँह तोड़ जवाब दिया। इसमें सनातनियों की भी जीत है। समर्थन क्या, जहाँ जहाँ वो जाते हैं भारत जोड़ने वहाँ पर भारत तोड़ने का काम करते हैं वो, और दूसरे पर छिटाखीसी करने का उनका काम है। उन्होंने मोदी जी को पनौती बताया था और जैसे आप सबके सामने है कि वो खुद एक पनौती साबित हुए। जहाँ जहाँ उन्होंने दौरा किया है वहाँ पर उनकी उनकी सरकार नहीं बनी है। आपसे कांग्रेस अपनी मेहनत कर रही थी, कांग्रेस को ये लग रहा था कि वो प्रचंड जीतेगी, इस बार बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी, पर वो जीत नहीं पाई। देखो, जिसने मेहनत किया फल तो उसी को मिलेगा। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम जब ही तो जीतेंगे। जिसने मेहनत किया वो जीत गया। भारतीय जनता पार्टी तीनों जिलों में आई है, मध्य प्रदेश में आया, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में तो सबको मालूम है शिवराज सिंह चौहान दोबारा बन सकते हैं, पर आपको क्या लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति दिख रही है? देखिए, देश में बदलाव हुआ है और बदलाव का कारण है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इन नौ साल बेमिसाल जो कार्य हुए हैं पूरे देश ने देखा है, हर जनता ने देखा है, हर बच्चे ने देखा है, हर बड़े बुजुर्ग ने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी की 9 साल बेमिसाल कार्य है। अब यह कार्य, क्योंकि जब हम देश के अंदर कोई अच्छा काम करेंगे ना तो जनता सर्वप्रिय है, उसको चुनती है। इस तरह राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, हम तीन जगह हमने सरकार बनाई है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो कैसे आई है, बड़ी एक अच्छी बात बताऊँ आप भैया। 9 साल पहले जब स्टार्टिंग माने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो हमारी कुछ योजनाएँ आई थी, जैसे कि उज्ज्वला योजना, ठीक है, 10 करोड़ माताओं बहनों को निःशुल्क गैस सिलेंडर चूल्हा निःशुल्क भैया, 30 करोड़ जन धन खाते जो खोलना, 18 करोड़ शौचालय का निर्माण, जो एक बहन बेटी भैया शौचालय खेतों में जाती थी, आज राजस्थान में भी इस तरह की घटना थी। लेकिन राजस्थान में भारतीय नरेंद्र मोदी जी की स्कीम द्वारा कितने अच्छे अच्छे शौचालय का निर्माण किया, आज राम मंदिर बना है, और आपको बहुत सारी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, कड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं देखी, घर घर पहुँची भैया, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश, पूरे देश में पहुँची है। काम देखा है, माननीय मोदी जी के काम को मिला है। मैं इसको किसी जाति धर्म या उससे प्रेरित होकर कह रहा हूँ कि जो कोई भी पार्टी है अगर कोई काम करेगी वो उसको उसका फल मिलता है। सरकार आ रही है, सरकार का बदलाव हुआ है। राजस्थान के अंदर आप देखिए किस तरह से कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं, रेप की घटनाएं हुई हैं, ऐसे तो उसको कैसे रोका, क्योंकि सरकार ऐसी है। सरकार को बदलना बहुत जरूरी था, मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जाएगा। ऐसे हमारे योगी नाथ हैं, ऐसे हमारे राजस्थान के बालकनाथ जी हैं। राज्य की जब छवि आती है सामने तो बहुत अच्छी छवि मानी जाती है, महिलाओं के सम्मान में हमेशा आगे खड़ी रहती हैं। बिल्कुल सर्वप्रिय है हमारी और उनका सम्मान है, और बहुत वो सीएम रही है, बहुत अच्छे कार्य हुए थे, लेकिन अभी कुछ बदलाव है। एक मौका बालकनाथ जी को भी देना चाहिए। बालकनाथ जी को अब लाके बुलडोजर तो नहीं चलवाना चाहते? देखिए, गुंडा राज,
आज गुंडा राज यूपी में देखा आपने, ठीक है, ऐसे राजस्थान में गुंडा राज है, ठीक है ना। लेकिन बालक नाथ जी का वो बयान भी है कि मैं कानून के तहत और जो भी कोई गलत करेगा उसको मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। आप देखिए सरकार आई है और सरकार अपना काम करेगी, क्योंकि बालक नाथ जी के जो विचार हैं माननीय योगी जी से बिल्कुल वो भी नाथ ही हैं, दोनों के विचार अच्छे हैं। आप यूपी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, जहाँ संगठन जिसको चुनेगा वही करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी पक्ष में आई है, जहाँ भी सरकार बनी है, सभी जो CM हैं बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, देश का विकास हुआ है। वहाँ पे राहुल गांधी जी आपकी सरकार बन गई है, आपको मौका मिला है 5 साल और, वहाँ पे आलू डालो, सोना निकालो और वहाँ पे शिक्षा दो और वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा दो, गवर्नमेंट जॉब दो और जितने पैसे दे रहे थे सबकी उसमें वो सबको दे दो और मजा आज कर दो, तेलंगाना को मजेदार कर दो। अब बस यही चाहते हैं, उसके बाद अगले 5 साल हैं, अगर आपने तेलंगाना को बहुत अच्छा कर दिया तो अगले प्रधानमंत्री आप बना देंगे। गद्दी के चक्कर में गांधी परिवार ने आपने दो प्रधानमंत्री मारे। मोदी तेरी चल गई आंधी, मोदी तेरी चल गई आंधी, उड़ गए चमचे और राहुल गांधी नहीं ले सकते, उड़ गए चमचे और राहुल गांधी, चमचे और राहुल गांधी, राहुल गांधी दो बेचारा राहुल गांधी रो रो के कह रहा है मेरी पार्टी में ऐसे ऐसे लोग भरे हैं, बस मेरे मजे लेने के लिए आते हैं मेरे पास, कोई वोट देने मुझे नहीं आया, सारे मुझसे मजे लेने आते थे, मैं आलू सोना निकालता था, ये मजे लेने आते हैं। तेलंगाना में करना खत्म हो गई है कांग्रेस, खत्म, जड़ से उड़ गए, जड़ से, राम विरोधी पार्टी है ये कांग्रेस, ये राम विरोधी पार्टी है कांग्रेस। अभी भारत जोड़ो यात्रा करी है, आप कौन सी यात्रा करेंगे? भारत तोड़े खानदान में, इनके इनके बाप और चाचा ने, इनके बाप और इनके खानदान ने तो भारत तोड़ा था, ये पाकिस्तान का कौन सा देश था, किसका देश था, ये हमारा था, बाप दादा ने तोड़ा और बेटे जोड़ने चढ़े हैं साले, जो तोड़ने वाले जोड़ेंगे, ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अभी कहते हैं राम मंदिर की डेट का बताओ, अब 22 तारीख की डेट है, जाके जाना आराम से, और इनविटेशन कार्ड नहीं मिलता भगवानों के पास जाने के लिए, भक्त बन के जाना, और तुम्हें जाने की जरूरत भी नहीं है, ये राम विरोधी है, पहले कहते थे राम काल्पनिक है, फिर कहते थे राम सेतु कहाँ है, फिर कहते थे भारत माता कौन है, ये राम विरोधी पार्टी, या अपने बच्चों को बताना ये राम विरोधी पार्टी है कांग्रेस, अपने बच्चों को बताना राम विरोधी पार्टी है, इनको खत्म कर दो, जो जब मुगल खत्म हो गए, कांग्रेस खत्म हो गई है, अंग्रेज खत्म हो गए, जड़ से खत्म होनी है ये कांग्रेस। जय श्री राम। मैंने 22 बार यूथ कांग्रेस में 1995 में खून दिया, यूथ कांग्रेस में था मैं, मेरे को नफरत हुई इस कांग्रेस के, क्यों ही ये रणदीप सुरजेवाला ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था और दिल्ली का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा, सुशील शर्मा ने क्या कांड किया था नैना सानी को, पहले गोली मारी। कांग्रेस जो 3 राज्यों में हारी है उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, काम कुछ किया नहीं, आपस में झगड़े में चलते रहे, गद्दी के लिए लड़ते रहे। जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो कहाँ चली गई? वो फेल। भारत तोड़ो यात्रा थी वो, भारत तोड़ो यात्रा थी, हिंदू और मुसलमानों में डिफरेंस डालने के लिए। अब एक कुछ चक्कर और चलाया इन्होंने, जाति जनगणना, जनगणना क्या है वो, जाति को जाति से बिड़ाना, इनके इनका पेट नहीं भरा, धर्म से धर्म बिड़ाया था 47 में, हरियाणा के अंदर जाट और बनिए लड़ाए इन्होंने, जाट और वाल्मीकि लड़ाई, जाट ब्राह्मण लड़ाई, इनका पेट नहीं भरा 60 साल में, आपसी कौमी दंगे करा करा के स्वर्णों को निम्नों से बिड़ाया, निम्नों को स्वर्ण से बढ़ाया, एक वर्ग से दूसरे वर्ग को बिड़ाया, बिड़ा बिड़ा के इन्होंने 60 साल राज किया है। जनता को समझ आ गया है कि कांग्रेस पार्टी कितना ईमानदार था, है कि नहीं? अभी तो देखे हैं कि एक तीर में 3 शिकार, जिसमें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो कहने का मतलब एक बार में मोदी सरकार 3 शिकार किए हैं, तो कहने का मतलब पूरा अब 2024 में कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा देश मोदी सरकार के साथ है, इसलिए मोदी सरकार 2024 में फिर से आ रहे हैं, अब इनको हराने की बात क्या। राहुल गांधी तो बड़ा अच्छा हमारे BJP का क्या बोलते हैं स्टार प्रचारक इसको बोल सकते हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा स्टार प्रचारक हमारे हिंदुस्तान में अभी भाजपा को ज़रूरत है, कि जो भी फायदा हो जाए मोदी सरकार को, बस यही हमको बड़ी खुशी की बात है। अभी जो 3 राज्य में सरकार आई है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भाजपा की सरकार है, तो मध्य प्रदेश तुम्हें तो सबको पता है कि शिवराज सिंह हैं, मामा फिर से आ रहे हैं, पर जहाँ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 नाम बड़े तेजी से चल रहे हैं, एक बालक नाथ जी है
जो राजस्थान का योगी माना जाता है, बड़े कट्टर विरोधी हैं, बड़ी कट्टर सोच है उनकी, और एक वसुंधरा राजे है। वसुंधरा राजे का अगर मना देंगे, सीएम बना देंगे, तो कहीं बालकनाथ नाराज ना हो जाएं, और अगर बालकनाथ को बना वाली तो कोई बात नहीं है, बाबा बालकनाथ नाराज नहीं होने वाले हैं, वसुंधरा राजे तो जरूर नाराज होगी, वसुंधरा राजे हो जाएंगी। बाकी मेरी अंतर आत्मा ये कह रही है, मेरे दिल से है, आपको क्या लगता है बाबा बालकनाथ ही बनना चाहिए? आप ऐसा चाह रहे हो कि बुलडोजर चलना चाहता है क्या वहाँ? हाँ, जो दुष्टाई करे, राक्षसों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा। बदमाश के घर पे, भू माफिया के घर पे, रंगदार के घर पे बुलडोजर चलना ही चलना चाहिए, ताकि जुर्म क्राइम सारा खत्म हो जाए हिंदुस्तान की धरती से। राहुल गांधी जी है ना, वो उनके जो फैमिली बैकग्राउंड था अच्छा था, पर उनमें ये तो नहीं है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मोदी जी थे हमारे, बोलते चाय बेचते थे, पर प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं, पर इनके फैमिली ने करा क्या है? लोगों को जैसे अंकल जी बोल रहे थे 84 में, जैसे भी इन्होंने क्या करा था, इनकी माँ को मरवाया इन्होंने, बहुत सोचो टायर डाल डाल के जलाया है लोगों को। इनकी जो माता थी उन्होंने गोल्डन टेंपल, सुनिए गोल्डन टेंपल, जहाँ पे सर नंगे शेर और सर पे कपड़ा जा, वहाँ पे टैंक घुसवा दिए, वहाँ पे इन्होंने टैंक घुसवा दिए, तो चलो उनको मार दिया, इसका मतलब किसी सिख ने मारा, तो सारे सिख तो उनका तो कसूर तो नहीं था ना, उनको क्यों मरवाया इनके राजीव गांधी जी, उन्होंने वो उनको भी फिर बाद में उनका भी कुछ मैटर हो गया तो उनको भी मार दिया गया, जैसे कि बहुत इन्होंने गलत किया है। देखो इनके अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं है, जो प्रधानमंत्री हम फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, जैसे जो हमारे होते हैं भगत सिंह हो गए, गांधी जी भी हो गए, चलो आने वाले टाइम में ना 100 साल बाद मोदी जी को बोल सकते हैं गर्व से कि हमारे फ्रीडम फाइटर थे, क्या इन्हें बोलेंगे? हमें लगता है जो दिया कुमारी है ना, सबसे बेस्ट सीएम का फेस है, और हम दिया कुमारी को दिल से सपोर्ट करते हैं, हमें लगता है कि वही राजस्थान को असली में समझती है, और वो राजस्थान की बेटी है, हमें लगता है कि राजस्थान की जनता के लिए सबसे बढ़िया सीएम का चेहरा दिया कुमारी है, और उन्हीं को बनाना चाहिए। राजस्थान में कहावत है कि गणेश चौका काम करिया, पर मिन को नपसंद कोनी आई, तो कांग्रेस की यही बात है कि उन्होंने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन किया, हमारा पेपर सारे लीक हो जाते थे, एग्ज़ाम भी देते थे पेपर लीक, और इन्होंने इतनी माइनॉरिटी को अपीजमेंट किया वहाँ पे कि एक मतलब पूरा ना जितना एक सामाजिक भेदभाव होता है ना वो पूरा तोड़ दिया हमारा। राजस्थान में कभी भी ऐसी घटनाएं नहीं होती थी जो आजकल हो रही है, तो मुझे लगता है कि अशोक जी का जाने का सही टाइम था, और दिया कुमारी के आने का यही सबसे बेस्ट टाइम है, और दिया कुमारी सीएम की रेस में हमारी पहली पसंद है राजस्थान वालों की। तो जैसा कि आपने देखा कि 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद लोगों का क्या रुझान था, कांग्रेस की हार पर भी लोगों ने किस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए, ऐसे ही हम और भी किसी अन्य मुद्दे पर को आपके सामने जल्दी लेकर आएंगे। तब तक आप देखना ना भूलिए द न्यूज़ 15 कैमरामैन गोविंद के साथ।